नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपा पांडे। साथियों, आज की जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आप चाहे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ कहीं के भी रहने वाले हों, इवन भारत में कहीं के भी रहने वाले हों, अगर आप चंडीगढ़ से अपनी मैरिज करके उससे रजिस्टर करवाना चाहते हैं जल्द से जल्द बिना किसी नोटिस के, तो इसकी क्या प्रोसेस है, इसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। तो साथियों, यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें कि शादी करने के लिए कानूनन जो भारत में उम्र है वो है लड़की 18 प्लस होनी चाहिए, लड़का 21 प्लस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लाने होते हैं, पहला आपका आधार कार्ड और दूसरा या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट या फिर आपके स्कूल की मार्कशीट। इन तीनों में से कोई भी एक कागज आपको साथ में लाना होता है, आपको भी और आपके गवाहों को भी। गवाह की बात करें तो गवाह आपको दो लेकर आने होते हैं और जिनकी उम्र पूरी होनी चाहिए और जो दस्तावेज उनके पास भी होने चाहिए। चंडीगढ़ में मैरिज करके उसके रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है ये दो बारी में पूरी होती है, जहां पहली बार आप अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं फर्स्ट टाइम, और दूसरी टाइम जब आपको आना होता है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी पेशी होती है और वहां आपकी पेशी के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये दोनों ही बारी लड़का लड़की को गवाहों और दस्तावेजों के साथ आना होता है। इसके बाद ही दूसरे दिन यानी जिस दिन आपकी पेशी होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपको उस दिन सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है। जो सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें बारकोड वगैरह सब कुछ मेंशन है। आप इससे अपने सर्टिफिकेट को खुद ही वेरीफाई भी कर सकते हैं। और फर्जी सर्टिफिकेट की बात करें वो इस प्रकार का दिखाई देता है, फेक सर्टिफिकेट जो कि नोटरी या स्टैम्प पेपर का होता है। इस काम से आपको खुद को बचा कर रखना है। तो अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको स्क्रीन पर हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहा है 8295723604। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।